पेपर भी मैं खुद ही लिखूं, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। अरे मान लीजिए क्या सर माना, लड़के फिर यहाँ क्यों आई थी? मार्क्स दान में नहीं बांट रहा हूं, अब तो तुझे फेल करके ही रहूंगा। अब चाहे तुम कितना भी अच्छा लिख लो, तुम्हें जीरो मिलेगा, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। सर, ऐसा मत कीजिए, सर हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। सर, प्लीज सर। ऐसा ही करूंगा। अगर मार्क्स चाहती हो तो बाद में आना, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो तब बात करें। जाओ जाओ, आउट। छाया, हो पाएगा नहीं? हो गया, पर बहुत डर लग रहा था। देखो अभी भी हाथ कांप रहा है। शाबाश, नहीं स्ट्रॉन्ग लड़की, एटलीस्ट हमें सबूत तो मिल गया। अब हम राजीव सर को दिखा पाएंगे ताकि वो हमारी मदद कर सके। कैसे, आगे क्या कार्रवाई करनी वही तो बताएंगे। चलो देखते क्या रिकॉर्ड हुआ है। अफसोस की बात है। Come on, sir. ये क्लिप हम प्रिंसिपल सर को दिखाकर आते। रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। सिर्फ प्रिंसिपल सर तक शर्मा सर की सच्चाई का पता क्यों चले? शिक्षक के नाम पे इस बख्शा की सच्चाई का पता सबको चलना चाहिए, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की या सोचने की। You're right, sir. शैतान में चाहे कितनी ताकत क्यों ना हो, उसका विनाश होकर ही रहता है। और इस शैतान के विनाश के लिए इससे अच्छा समय नहीं है। होली का दहन। लेकिन सर, ये करेंगे कैसे? सुनो, एक काम करो, सब लोग सुनो। ठीक है। ओके सर। छाया तुम घबराओ मत, इस शर्मा सर को तो सजा दिलवाकर ही रहेंगे। वाव सर, क्या आर्टिस्टिक आइडिया सोचा है उस शर्मा का भांडा फोड़ने का। Thank you.
वो अब तक आए नहीं। टेंशन क्यों ले रही हो? नमस्कार। आज की शाम शिक्षक और छात्रों दोनों को प्रणाम। आज हम सब यहाँ पर होलिका दहन के समारोह के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये दहन सच्चाई की जीत और बुराई की हार का प्रतीक होता है। हर प्रहलाद की जीत होती है और होलिका रूपक हर शैतान का विनाश। औरत हो या लड़की, घर, देश, समाज, परिवार का दूसरा पहिया होती है, जिनके बिना प्रगति की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। और इसीलिए आत्मसम्मान, शिक्षा, आजादी और प्यार पाने का इन्हें पूरा हक है। आज शाम हम मंच पर ऐसी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। सुनो एक बात सयानी, एक भोली भाली लड़की की कहानी। हस्ती खेलती किसी से ना बैर, लेकिन अचानक किस्मत ने लिया उससे मुंह फेर। बनूंगी मैं, तुम सब की होगी ठहर। एक टीचर आए, मन में चोर छुपाए। बेटा जरा मदद करा दो, स्टाफ रूम में आकर मिलो। आया, प्रैक्टिस के बाद मुझसे आकर मिलो स्टाफ रूम। सर अब जाऊं, हो गई शाम। हाँ ये लो तुम्हारा इनाम। अरे सर। अरे ये तुम्हारे लिए है, लो। ये है सवाल इम्तिहान के, सिर्फ तुम्हें ही दे रहा हूँ जान। सर नहीं चाहिए मुझे कुछ, अब कितने हैं तुझ। तुम्हें बुला मुझे तुझ, फेल कर दूंगा सचमुच। अब तो तुझे फेल करके ही रहूंगा। सुनो सुनो एक बात सयानी, एक भोली भाली लड़की की कहानी। शैतान का भांडा फोड़ो, सदियों की गुलामी की जंजीर तोड़ो। हमारा आज है एकता आजादी का, आज के नए युग की शहजादी का। हमारे साथ बोलो, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। ए, कहां सर? पिक्चर अभी बाकी है, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए। यहां से बहुत कमाल की दिखेगी फिल्म। प्रोजेक्टर ऑन। बैठिए बैठिए। ये कहानी उस दानव राजा हिरण्यकश्यप की है, जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर राज करता था। राज क्या, तानाशाही कहो। वो चाहता था कि उसकी प्रजा उसके सिवा किसी और को नहीं पूछे। उसका एक बेटा था प्रह्लाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः।
शिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वरनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। कश्यप के गले ये बात नहीं उतरती थी कि उसका पिता किसी और का भक्त हो। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, न आकाश में न धरती पर, न आदमी न जानवर, न अस्त्र न शस्त्र। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। और उसने बहुत चाहा कि अपने बेटे को मार डाले, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद को बचा लेते और प्रहलाद बच जाता। फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों ना वो अपनी बहन होलिका की मदद ले। होलिका को एक खास वरदान मिला हुआ था कि जब कभी वो आग में जाएगी उसे कुछ नहीं होगा। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा क्यों ना होलिका से कहें कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए। हाँ, लेकिन दोनों भाई बहन भूल गए थे कि होलिका का ये खास वरदान तभी लागू था जब वो आग में अकेले जाएगी। अगर वो किसी और के साथ अग्नि में गई तो वो जल जाएगी। एक बड़ी सी आग जलाई गई। होलिका ने फुसला बुझाकर प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और बुआ भतीजा दोनों आग में बैठे। प्रहलाद ने विष्णु का नाम जपना शुरू किया और वहाँ दुष्ट होलिका को आग की लपटों ने खत्म कर दिया और प्रहलाद विष्णु जी के आशीर्वाद से वो बच गया। कहाँ है तेरा वासुदेव?
से ही अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। कैसा लगा? प्रोजेक्टर ऑन। तुम्हारे लिए पेपर नहीं लिखे, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। शर्मा जी से क्या शर्मा? क्या कहते हैं ना कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। तो तुझे फेल करके रहूंगा। तो प्लीज सर, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा सर। ये सब झूठ है, सब बकवास है। मेरे खिलाफ किसी की साजिश है। टीचर्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं है यहाँ। की बात कर रहे हैं सर? आपको पता भी रिस्पेक्ट होती क्या है? जब आप हमसे किस मांग रहे थे तब कहा थी आपकी रिस्पेक्ट? क्या आप अपने घर में अपने बहू बेटियों को ऐसे रिस्पेक्ट करते? जवाब दीजिए बेटा, हम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं। पुलिस की क्या जरूरत है छाया? ये है ना, कॉलेज प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कि ये लोग तुम्हारे साथ कुछ करें, तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम यहां से चले जाओ। आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं मारे कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कपन के। रचना, हैप्पी होली। प्लीज हमें नहीं खेलनी होली। इवियन, कहाँ देखे जा रहा है? पता नहीं यार, आजकल क्या हो गया है मुझे, शायद सुधरने लगा हूं मैं, लड़कियों की इज्जत करने लगा हूं। एनीवे, पार्टी में चलना है कि नहीं? हाँ हाँ चलो। तो चलो फिर। चलो। Yeah.
हो लगता है साल दिल की तुम जरूरत हो मुझको भी तू जरूरी तू भी नशे में पूरी तो कैसे ये तलब लग गई मुझे तो हमने बाजी मारी ली या हम जीत गए कौन सी बाजी जीत ली वो ऐसा है ना कि वो आंटी जी कॉलेज में भी हमने ऐसे ही होलिका दहन जलाई थी ना इसलिए मजा आ गया और उसे जलाकर सच में लगा कि बुराई पर विजयी हो गए चलो अच्छा हुआ बुराई का अंत हमेशा होना चाहिए मौसी जी आज ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा अंदर एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आई मुंबई में ये सब कुछ कहां देखने मिलता है गुंजन के पास पूरा रीजन है रचना को बेहोश करने का सबूत हमारे सामने है मैंग बेटा होलिका में डालने के लिए रद्दी पेपर की जरूरत पड़ेगी जी दादी मैं लेके आता हूँ मेरे कमरे में नहीं नहीं हम लेकर आते हैं अब नहीं मौसी जी मैं ले आती हूँ ना नहीं रहने दो हम लेकर आते हैं यहां गलती से आ गया होगा लेकिन गुंजन का नाइट सूट मयंक और चारू के कमरे में गलती से भी कैसे इस घर में हाँ आप सब तैयार रखिएगा हम कल आके चेक कर लेंगे अभी हम फोन रखते हैं हम कहीं भाग नहीं रहे अभी आप फोन रखिए नहीं तो हम जी आप यहाँ वो होलिका दहन के लिए रद्दी की जरूरत थी वही लेने आए थे ओह अच्छा शुक्र है ताई जी ने इसे नहीं देखा नहीं तो सारा पांडा फूट जाता हम इसे कहीं छुपाते थे
यानी उस दिन चारू ने गुंजन का नाइट सूट पहनकर रचना के दूध में नशे की गोली मिलाई थी, लेकिन क्यों? आखिर इसकी रचना से क्या दुश्मनी हो सकती है? संगीता, हम जरा नुक्कड़ तक होके आते हैं। सुनिए, हमें सब पता है आपकी सवारी इस वक्त कहाँ जा रही है, समझे? जरा अपना बटवा तो दीजिए। संगीता, क्यों? ₹1000 आपके शौक पूरे करने के लिए काफी होंगे, है ना? अरे बस कर यार, कितनी पिएगा? अरे पीने देना यार, चढ़ेगी तभी तो मजा आएगा। ऐसे कैसे मजा आएगा, असली नशा तो यहाँ है। अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलो इस कदर के मच जाए भी मेरे फोटो को, मेरे फोटो को सुने से चिपका ले सैया का भी कॉल से, मेरे फोटो को सीने से ¡Suscríbete al canal!
ज्यादा ही मीठी और अच्छी बन रही है, और फिर वो नाइट सूट भी, तो समझ में नहीं आता क्या करें। लेकिन ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर बैठ भी तो नहीं सकते, चारों पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं वो कोई और बड़ा नुकसान ना कर बैठे। जी, आप अभी तक सोए नहीं? सब ठीक तो है ना? हाँ भी और नहीं भी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं क्या? बादाम का दूध तो हमने ही बनाया था, दोनों ग्लास हमने गुंजन को दिए थे, तो गुंजन ने ही रचना को दूध दिया होगा ना? ताई जी, क्या आप अभी भी गुंजन से नाराज हैं? एक बार अपने दिल से सोचिए और फिर बोलिए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि गुंजन ऐसा करेगी? नहीं। नहीं ना? तो फिर ताई जी, ये सब सोच के अपना दिल मत दुखाइए प्लीज। ताई जी, बहुत रात हो चुकी है, चलिए चल के सो जाइए। लेकिन बेटा वो, ताई जी चलिए ना, आइए आइए। गुंजन के लिए दिल पे हाथ रखा, कल के बाद सब खत्म होने वाला, ना वो रहेगी ना उसकी कोई याद, कल ऐसा धमाका होने वाला।
छोड़ेंगे नहीं। मुझे वाले भैया आ गए। डोलू के बच्चे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बदमाश कहीं के? हैप्पी होली। हैप्पी होली सासुमा। हैप्पी होली। हैप्पी होली बुआ जी। डोलू पूरा दामाना होली है। अब मजा आया डोलू? संगीता चाची किधर है? अपने कमरे में होगी। ठीक है। परजाई जी, ये देखिए, ये साहिबा के लिए कैसा रहेगा? परजाई जी, ये तो बड़ा ही सोना है। कितनी सोनी लगेगी ना साहिबा इस रंग में, है ना? अपनी बेटी को सफेद चादर ओढ़े और अपने दामन को हर दाग से बचाते हुए देखना इतना मुश्किल था, कैसे बताऊं? अब तो दलजीत ने सब ठीक कर दिया ना, हुन ते परेशान ना हो। मेरा रणवीर नहीं रहा, लेकिन साहिबा का साथ देने के लिए कोई तो है ना। सस्तिकार बाबू जी। सस्तिकार बेटे, क्या हाल है? अभी ना तुम्हारी बातें कर रहे थे। सही से होली खेल के आ रहे हो? नहीं बाबू जी, वो रास्ते में आ रहा था तो बच्चों ने रंग लगा दिए। अच्छा, अब साहिबा जी कहाँ हैं? पुत्र जी, वो तो गुरुद्वारे गई है। गुरुद्वारे? आज के दिन अकेले? ओ पुत्र जी, उसे तो उसे जानते हो ना, वो ही नहीं चाहती थी कि कोई उसके साथ जाए, बस इसी वास्ते। हाँ, लेकिन हर लोग रंगों से गुलालों से खेल रहे हैं, पानी वाले गुब्बारे मार रहे हैं, अगर उन्हें चोट लग गई तो? कोई बात नहीं, मैं देख के आता हूँ। हाँ, साहब जी, आपको आज के दिन घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? के दिन कोई किसी का ख्याल नहीं रखता था। आपको पानी वाला गुब्बारा मार सकते थे, रंग लगा सकते थे, कोई भांग के नशे में आपको चोट पहुंचा सकता था। थैंक यू दर्जी जी, आपने मेरे दामन पर कोई रंग नहीं रखने दिया। आज आपकी वजह से मेरा दामन साफ है। साहिबा जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपके दामन में इतने रंग हो कि आप खुद भी ना गिन पा। बात कुछ ही दिनों की बात, उसके बाद मैं आपका दामन पूरे रंगों से भर दूंगा। चले। एक सेकंड। तो क्या सोचा चाची आपने, हाँ या ना? हम कुछ तय नहीं कर पा रहे। चाची, क्या आप नहीं चाहती कि गोपाल चाचू को एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल जाए? क्या वो जिंदगी भर बनारस में छोटा मोटा बिजनेस करते रहेंगे? और आपको अपने बेटे की फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है? आप नहीं चाहती कि उसका इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन हो जाए? हमारे पापा की बहुत जान पहचान है, वो दो दिन में उसका एडमिशन करा देंगे। नहीं नहीं, हम अपने पेरेंट्स को छोड़कर फिर स्कूल में नहीं जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्लान बहुत रिस्की है और कहीं उस कुंजन। मम्मी ऐसे नहीं मानेगी,
जाकर ताई जी को बताते हैं। चाची, हम जानते हैं कि हमारा प्लान रिस्की है, लेकिन गुंजन को घर से निकालने के लिए इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, और हमारा प्लान फुल प्रूफ है। आप बस हाँ कह दीजिए। ताई जी, नहीं नहीं डोलू, यहाँ पर रंग मत लगाना। हाँ ताई जी, हम रंग नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें अपना स्कूल नहीं बदलना है। स्कूल नहीं बदलना? यहाँ कौन तुम्हारा स्कूल बदलने वाला है? मम्मी और चारू भाभी, हम अभी अभी उनकी सारी बातें सुनकर आए। क्या? चारू भाभी मम्मी से कह रही थी, अगर तुमने हमारी होली में मदद की तो हम दोनों को एक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। लेकिन तुम्हारी मम्मी उसकी किस चीज में मदद करने वाली? वो हमें नहीं पता, पर मम्मी कह रही थी कि वो वाला काम खतरे वाला है, और कुछ गुंजन दीदी के बारे में भी बात कर रही थी। ऐसा कौन सा गलत काम करने को बोल रही है चारू संगीता से? अरे यहाँ तो कोई नहीं है। होली है, होली है, होली। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? रुके, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, किसी ने देख लिया तो? अरे तो क्या हुआ, उनको भी रंगों में हम हिला देंगे और कहेंगे बुरा ना मानो, होली है। आज होली का जश्न मनाने के लिए आपको एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, कहीं चलेंगी ना? आप एक मिनट रुकेंगे, मैं अभी कपड़े चेंज करके आऊंगी। करंजली, होली के बहाने मेरे पति के साथ रास रच रही है, मेरे जीते जी मैं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। देख लूंगी तुझे कभी नहीं। अरे भाई कितना इंतजार करा रही हैं आप, वैसे भी आप हमेशा खूबसूरत ही लगती हैं। और सुनिए, वो खड़ूस आंटी जी आ गई ना तो कयामत आ जाएगी, जल्दी करिए ना। चले ले ले। वाह, बात कहूँ, इस लिबास में आप काफी भारी भरी दिख रही हैं। कैसे बहुत सारी गुड़िया तो खा ली। चलिए अपना चांद सा चेहरा दिखाइए ना। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। सुनिए, कहिए। मेरा चांद सा चेहरा है ना, मैं आपको पार्टी में ही दिखाऊंगी। अरे वाह, ठीक है, तो चांद पर रंग लगाने के लिए हमारा दिल भी बेताब है। आइए ना, आज आएगा होली के जश्न का असली मजा, होली लड़कपन की। बहुत मुबारक हो बेटा, शादी के बाद की पहली होली। आज तो समधन जी को पूरा रंग के छोड़ेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको भी होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। वो फैमिली देख रहे हैं आप, वो हमारे दिल्ली वाले रिश्तेदार, एक इंदौर से भी आ रहे हैं और कुछ लोग तो मुंबई से आ रहे हैं, कुछ भोपाल से आ रहे हैं, बस हम एक मिनट में आए। ठीक है, जरूर।
दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं ना, बच्चों के उठने से पहले हम और तुम। जाइए जी, कुछ भी बोलते रहते हैं। इंदु, लगता है तेरे नानू ना कि अतीत में चले गए, अपनी जवानी के दिनों में जब धर्मेंद्र की पिक्चरें देखा करते थे। चल चल झूले पे चलते। अरे ओ बसंती, रुक जाओ। मां कसम, अगर किसी ने बसंती पे रंग डाला तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। गांव वालों, ये जो बसंती है ना बसंती, इसने अगर मेरे साथ होली नहीं खेली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सुसाइड। क्योंकि सुसाइड करने की तो कोई बात नहीं बनती, और जहाँ तक होली का सवाल है, इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। गांव वालों, बसंती मान गई, मरना कैंसर। जमाने से ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। भेड़ साला, तुम लोग कलर लेके मुझे सारे शहर में ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार यहां पर कर रहा हूं। आज तुम्हें मेरे हाथों कलर लगाने से कोई नहीं बचा सकता। हाय हाय हाय। रंग बरसे, अरे रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ओ रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ओ रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे।
रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अरे ओ पुष्पा, ये सारी दुनिया मुझे रंग बिरंगी क्यों नजर आ रही है? लगता है जैसे आज होली का दिन हो। लगता नहीं, आज होली ही है। तो बाबू मुशाय, चलो आज इन रंगों में हम भी गुम हो जाएं। हे जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर। प्याला तेरे नाम का पिया। मार्केट गए कुछ सामान लेने। कभी कभी भाई से भी मिलने आया कर। हर वक्त तेज होते होता भाई आप बिना। एक्चुअली आज मैं मयंक के बारे में बात करने आया हूँ। मयंक? मयंक मेरा कॉलेज का फ्रेंड, बनारस वाला। करेक्ट। उसने इनविटेशन भेजा होली का। बनारस बुलाया होली खेलने के लिए। शुरुआत करे छे। हाँ। अरे बनारस में तो धूमधाम से होली मनाते थे। अरे एक हफ्ते पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। सब लोग मिलकर होली का दहन करते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रथा है, उसको बोलते हैं लठमार होली। अरे ऑलमोस्ट में क्या होता है, कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि है ना नंदगांव, वहाँ के मर्द राधा जी के गांव बरसाना जाते, वहाँ के मंदिर पर झंडा लहराने, और वहाँ की औरतें लाठी मार मार कर उनको भगाने की कोशिश करती है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब तो बनारस जाना ही होगा। ऑफ कोर्स। और आपको भी चलना है, मयंक ने खास कर आपको बुलाया है। अरे मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे भाई होली का दिन है, इतना बिजी डे होता है यहाँ पर, कितने सारे ऑर्डर्स की डिलीवरी देनी होगी, मैं नहीं आ पाऊंगा। पर मोटा भाई मयंक ने इंसिस्ट किया आपके लिए, उसकी मॉम से भी बात हुई मेरी। आई नो, मैं समझता हूँ, पर हमारी मॉम भी तो यहाँ पर अकेली है ना, उनको भी तो हेल्प चाहिए होगी ना। तू मयंक को समझा दे, वो समझ जाएगा। ये देखो मयंक का ही फोन आ रहा है। बात कर, अरे क्या बोलूं उससे, आपकी प्रॉब्लम बताऊंगा तो वो 10 सवाल और पूछेगा। एक काम कर, मैं मयंक से बात करता हूँ, दुकान से। आप ही बात करो। हाँ अच्छा मयंक, अब अपने मुंह मियां मिट्टू क्या बताएं समधन जी, इस बनारस शहर में ऐसी होली की पार्टी किसी ने नहीं दी होगी।
सारे मेहमान हैं कि डर लगता है कोई कहीं छूट ना जाए। हाँ हाँ आप जाइए, आप चिंता मत कीजिए हमारी। अच्छा, अरे जीजी, हाँ, आपको पिछली होली याद है? पिछली होली देखा था जीजी कैसे भांग। इस साल हम तो भांग से दूर रहेंगे पापा। आहा, आप तो भांग से दूर रहेंगी, लेकिन भांग आपसे दूर कैसे रहेगी बेचारी। क्या बात है मौसी जी, आप इतनी परेशान लग रही हैं? कुंचन, हमें माफ कर दो बेटा। किस लिए? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हम जानते थे कि तुम रचना के दूध में नींद की गोलियां भांग नहीं मिला सकती, लेकिन सारे सबूत तुम्हारी ओर। और कल जो हमने जो कल देखा, मैं माफ कर दूं। मौसी जी, इसमें आपकी क्या गलती है? इसमें गलती तो चारू की है, जो मुझे आपसे, रचना से, सबसे दूर करना चाहती है। मौसी जी, अगर उसकी सोच इतनी मीन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? गुंजन, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो लड़की कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। गुंजन, अब गुंजन के हाथों रचना का चेहरा। चारू, जी ताई जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हें वहां ढूंढ रही है, हम अभी जाते हैं। Enough is enough. अगर इस चारू को रोका नहीं ना, तो वो रोज मेरे और रचना के बीच पंगा खड़ा करती रहेगी। अगर आज उसने कुछ किया ना, तो she has had it. In fact, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना मुझे, तो विश्व होली तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के सभी रंग भरते। हैप्पी होली टू यू टू मयंक। Thank you.
चलो। होली तुम तो खेल ही नहीं रही हो, बिल्कुल ड्राई। रंग बिरंगी होली है यार, कलर लगने चाहिए। मिला देना, अच्छे से मिलाना, ताकि हमारे मयंक जी होली के रंग में रंग जाए। दिल से टक्कर खाए, अरे मैं खोया के तू खो गया, अरे हाँ। Oh,
लड़ी है भैया दिल को जवान
मरे उसका चाचा आ रहा है सामने से। चल यार ध्यान यहाँ से निकल लेते। चल तो नहीं था। विहान? वो देखो विहान। छाया, विहान कैसे आ सकता है? अरे ये विहान यहाँ क्या कर रहा है? होली के बहाने लड़कियों पर रंग पोतने आया होगा। यही तो मौका मिलता है लड़कों को, लड़कियों को खुलेआम छेड़ने का। विहान, अरे होली वाले दिन कोई बहाना नहीं चले। वो कहते हैं ना, होली के रंगों में पुराने झगड़े सारे धुल जाते हैं। छाया, am I right? So, happy Holi! Wow, Vihan. तुम? Yes, मैं। वैसे काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। होली के दिन खुला लाइसेंस, right? शेरावाली का हाथ है मुझ पर, चाहे सैकड़ों दुश्मन आ जाए जमीन पर, एक एक को जिंदा गाड़ देगा ये हिम्मत वाला यहीं पर। अरे अजय जी, अरे साजिद जी, तमन्ना भी है। बदतमीजी के लिए कोई बहाना या लाइसेंस अलाउड नहीं है। तुम लड़कियों में बहुत हिम्मत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। क्योंकि हर लड़की में दुर्गा होती है, उसे ललकारो और ऐसी छेड़छाड़ को बंद करो। कहते हैं होली के दिन सब कुछ माफ है, लेकिन रंग लगाने के बहाने कोई कुछ करे तो? अरे गर्ल्स, मथुरा में एक जगह है बरसाने, वहां पर लठमार होली होती है। उसके बारे में तो सुनो, उसके बारे में भी तो सीखो और उसे भी इस्तेमाल करो। वो क्या है? अगर कोई जबरदस्ती रंग लगाने पर आ जाए तो ये लो, ये तुम्हारा शस्त्र है। भाई शस्त्र तो ठीक है, मगर होली इज अबाउट फन।
दुश्मन भी गले लग जाते हैं, ये मत भूलना। थैंक यू अजय जी। हाँ साजिद जी सही कह रहे हैं, जब रक्षा करनी हो सिर्फ तब। और आज की दुनिया में जीने के लिए सबसे जरूरी है हिम्मत। राइट सर। और सच बात तो यह है लड़कियों के दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मर्दों से कहीं ज्यादा आगे औरतें, और असली हिम्मत वाली वही। तो बोलना नहीं, रंग के साथ आ रहे हैं हम अपनी नई फिल्म लेकर 29 मार्च को हिम्मत वाला। तो जाओ और अपनी हिम्मत दिखा दो, और उनको बोलना कि बुरा मत मानो, मैं हूं हिम्मत वाली, और अगर कोई छेड़खानी करे तो मार दो उनके बम पे लात। लठमार होली। लठमार? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज के दिन कोई बहाना नहीं, आओ। मार दे बम पे लात तू, मार दे बम पे लात तू, मार उसके बम पे लात जो तुझे डराता है। अरे चूजा चूजू करता है गलियों और चबारों में, भेगा भागी करता फिरे तू तो अपने यारों में। भेगा भागी कुछ नहीं, सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की, वरदान की मस्तान की। मेरे मुन्ना बात सुनो, ये जवारे नहीं कोई खिलौना, पहले जाओ सीख के आओ प्यास नैनों की प्यास को बुझाना। दबी दो दबी दो दबी दो तभी तो होगा मुआ छोक राजवारे, मुआ छोक राजवारे। ओ चांद बेबी जो चांस देगी, प्यास क्या है मैं भूख भी मिटा दू। ओ हम सीखे और सिखाए, नैन क्या है पूरे तन को मैं भिगा दू। बाबा ली रे।
तो गाली दे हट। बनके कुछ इसे ना हमें इस बैग में छुपा कर रख देते हैं। खोलो,
क्यों गुंजन? हमारा काम आसान बनाने के लिए। गुंजन हमारे साथ होली क्यों नहीं खेल रही है? हैप्पी होली गुंजन। देखा, इतना सारा कलर लगने के बाद भी आई रिकॉग्नाइज यू। Happy Holi, come on. Holi hai, bhai Holi hai, girana wala Holi hai. Kaun? Aap? Baat hai? Aaj bade romantic ho rahe? Jaane man, naraaz kyun ho rahi? Log kehte hain ki Holi jo hai, वो प्यार करने वालों के लिए सबसे रोमांटिक त्योहार है, तो बुरा ना मानो होली है। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, हम्द अल्लाह, शुक्र अल्लाह। से बरसी दुआएं खिल गई मेरी किस्मत पाके तेरी ये चाहत हम पे मेहरबान दो जहां शुक्र अल्लाह वल हम्द अल्लाह शुक्र अल्लाह वल हम्द अल्लाह शुक्र अल्लाह हुआ ही हुआ ऐसे चले
यहाँ पर चले आए हो? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस गुंडे को। मैं क्या लगा हमें नजर नहीं आओगे तुम? लड़कियों को छेड़ने चले आए? अरे बाहर फेंको इसे। लेट मी एक्सप्लेन अंकल, मैं यहाँ बिना इनविटेशन के नहीं आया हूँ। अगर आप चाहें तो चारू भाभी के पापा से पूछ सकते हैं। उनके पापा और मेरे पापा बिजनेस पार्टनर्स हैं। अरे बाहर में गया तुम्हारा इनविटेशन, निकलो यहाँ से। बस करो प्रभु, तुम किसी के भी इनविटेशन पर आए, लेकिन कृपा करके हमारे परिवार से दूर रहना, समझे? आओ बेटा। भाभी। अरे कन्हैया, काम है? हाँ भाभी, काम तो है। आ हा हा हा, आ हा, क्या खुशबू आ रही है गुजिया की भाभी। स्वाद से भरी सारी अंगीठी है। हम भी तो देखें गुजिया कितनी गरम कितनी मीठी है। लाइए चखाइए फटाफट। पहले भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद हम तुम्हें देंगे। भाभी हमारा नाम क्या है? कन्हैया। कन्हैया, अरे किशन भगवान का जीता जागता साक्षात रूप है हम। अच्छा चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, मतलब मीठा नहीं खिलाएंगी। अच्छा तो नमक दे दीजिए। नमक? ऐसे क्यों खड़े हो? स्टाइल है सर। स्टाइल? कुछ तो गड़बड़ है। ये हाथ पीछे क्यों छुपा रखे हैं? दिखाओ। क्या है हाथ में? क्या है कन्हैया? क्या है? अरे भाभी क्या है? कन्हैया दिखाओ। अरे भाभी क्या? अरे कन्हैया दिखाओ ना। तो ये माजरा है। भाभी बच तो नहीं पाओगी रंग और गुलाल से। चाहे तो नोट कर लो, लिख के ले लो, ये हमारी बोली है भाभी, आज होली है। नहीं कन्हैया, इस बार तुम हमें रंग नहीं लगा पाओगे। अच्छा, इस बार तो हम भी तैयार हैं। अगर तुम हमें रंग लगाओगे तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे देवर जी, देख लेना। पक्की बात? पक्की। हमारी भी एक बात आप याद रखना, भगवा के रंग से अगर आपको नहीं रंगा तो हम आपके देवर रहेंगे। भगवा की धुन पर अगर आपको नहीं नचाया तो नाम हमारा राज ससैया बंसी वसैया कन्हैया नहीं। भाभी होली। भाभी होली मुबारक हो। अरे अरे थोड़ा सा तो रंग लगा दीजिए। जीते रहो। आखिर पुरानी रीत है, देवर भाभी को रंग लगाए बिना होली का मजा क्या है? क्यों? करेक्ट भैया। अरे तू क्या करेक्ट बोल रहा है? बिल्कुल सही बात है। और जब ऐसी लाखों में एक भाभी हो उनका तो जम के रंग लगाना चाहिए। Oh,
¡Suscríbete al canal!
सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस होली के शुभ अवसर पर एक बहुत ही स्पेशल शो होगा। जी हाँ, और इस शो में और रंग भरने आ रहे हैं हमारे बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल मेहमान जो कि दिल्ली और भोपाल से हैं, जिनका नाम है यश, सोना, इंद्रा एंड विक्रम। अरे ये गुंजन कहाँ चली गई? अभी अभी तो यहीं थी। एक मिनट, ये चारों भी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं वो, हे भगवान, पता नहीं ये चारू बाहर मेरे जैसे कपड़े पहनकर क्या कर रही होगी। कहीं फिर से गुंजन बनकर रचना को, ओ गॉड, मुझे यहां से निकलना ही होगा। हेल्प, प्लीज हेल्प। इसके आशिक हो गए। अरे सीमा आंटी, भांग चढ़ा रखी है क्या तुमने? तो सर संभल कर बोलो, भाई साहब यहीं पर खड़े हैं। तो मैं क्या करूं? चुपचाप सीधी खड़ी रहो तुम। गई गुंजन, कहा था आसपास रहने के लिए, लेकिन ये लड़के हमारी कभी नहीं सुनेंगी। गुंजन, हेल्प, प्लीज हेल्प, कोई दरवाजा खोलो, प्लीज हेल्प, कोई है? ये
भजन कीर्तन कर रही है। अरे हम होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। और कुछ मौका लगा रहे थे अपना भजन। छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सिटी। दे दे दिन कलम पे एक पप्पी मीठी मीठी। चारू बार मेरे जैसे कपड़े पहनकर क्या कर रही होगी? कहीं रचना को बुला लेकर तू? नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकल नहीं होगा। प्लीज हेल्प, दरवाजा खोलो प्लीज। सॉरी रचना, तुम्हारी बहन का हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। वेरी सॉरी।
क्या आप नहीं चाहती कि गोपाल चाचू को एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल जाए? कहीं गुंजन गुलाल में कुछ मिक्स तो नहीं कर रही? हाँ तो तुम भी ना संगीता खामखा भड़कती रहती, गुंजन भला क्या मिला सकती, होगा रंग या कुछ? तुम चुपचाप शो देखो, खामखा उस पर शक मत किया करो। क्यों ना करे शक, वो लड़की है ये सिलाए। डोलू कहाँ जा रहा है? आओ हम तुम्हें गुंजन दीदी से मिलवाते हैं। तुम यही रुको, हम गुंजन दीदी को यही लेकर आते हैं। ओके अब गुंजन दीदी को रंग लगाने की बारी हमारी। ये लो गुंजन, चाकी रचना के मुंह पे मलो और अच्छी तरह लगाना, तभी तो असली होली का रंग दिखेगा। ये तो गुंजन दीदी नहीं, चारू भाभी है, और ये यहाँ क्या कर रही हैं? गॉड प्लीज कोई भी जादू चमत्कार कुछ भी मुझे यहां से निकाल दो प्लीज भगवान जी।
चारू भाभी आप?